दोस्तों, आप कहोगे ये मैं क्या कर रही हूं, नवरात्रि तो चली गई फिर भी गरबे खेल रही हूं। सच्ची बात है, अभी तो दिवाली आ रही है और दिवाली को वेलकम करना बहुत जरूरी है, पर दिवाली के लिए दो चार दिन अभी बाकी है, तो उस दो चार दिनों के पहले हम आपसे बताना चाहते हैं एक बहुत ही मसालेदार कहानी। इस कहानी का शीर्षक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा। तो मैं हर्षा गुंडला बेल्जो टीवी की तरफ से आज एक मिर्च मसालेदार कहानी लेकर आपके सामने हाजिर। गोलू नाम की एक व्यक्ति थी। गोलू के जिंदगी में सैटरडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। उसकी जिंदगी में सैटरडे, उसकी पैदाइश सैटरडे के दिन, उसको 21 लाख की लॉटरी लगी वो भी सैटरडे के दिन। हर बात उसकी जिंदगी में जो जो अच्छी और बेहतरीन हुई है सारी सैटरडे के दिन। बोलो, गोलू की मुलाकात हुई सीमा से वो भी सैटरडे के दिन। अरे गोलू बेल्जो ऑटो पायलट कार का डीलर बना पूरे यूरोप के लिए, वो भी उसका सैटरडे के दिन हुआ, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही गोलू की मुलाकात सीमा के साथ हुई, सीमा एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी। उसके बाद तो उसकी ऊंचाई बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। गोलू का एक दोस्त था वर्मा जी, स्वरूप वर्मा, दोनों साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, साथ में लंच लेते थे और बहुत एंजॉय करते थे। पानी पूरी तो खाते ही थे दोस्तों, यदि पानी पूरी नहीं खाया ना जिसने, उसका जीवन ही फेल है। सच में इतनी मस्त लगती है पानी पूरी। तो बात कर रही थी मैं गोलू की, तो स्वरूप वर्मा और गोलू बहुत बढ़िया दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। लेकिन वर्मा जी पढ़ाई के बाद चले गए अब्रॉड, अमेरिका में जाके बस गए। गोलू को वर्मा जी की याद सता रही थी। उसने सोचा मैं तो अमेरिका जाऊंगा और वर्मा जी से मुलाकात करूंगा। जैसे ही गोलू अमेरिका पहुंच गया, उसने न्यू जर्सी से वर्मा जी से फोन किया, वर्मा जी मैं गोलू आपका जिगरी दोस्त बचपन का। वर्मा जी ने कहा, अरे हाँ भाई हाँ, कब मिलते हैं? बस बात वहीं अधूरी रह गई, लेकिन गोलू तो निकल पड़ा वर्मा जी को मिलने के लिए। गोलू ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर
गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई, कार स्पीड में जा रही थी। कुछ समय के बाद गोलू ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको रोको। ड्राइवर ने स्पीड में चलती हुई गाड़ी को रोक दिया। गोलू कार से बाहर उतरे और एक घने पेड़ के पास खड़े रह गए। जैसे वो घने पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ के डालियों ने झुककर गोलू का स्वागत किया। गोलू सोच में गिर गया कि ये क्या हुआ भाई, झाड़ की डालियां भी ऐसे झुककर कभी स्वागत करती है क्या। फिर उन्होंने सोचा कि भाई आज कौन सा वार है, और उनको याद आया कि भाई आज तो सैटरडे का दिन है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस प्रकार खड़े खड़े पेड़ के सामने गोलू ने 12 मिनट गुजार दी। ड्राइवर वही कार के पास खड़े खड़े टहलते हुए थक गया, परेशान हो गया। गोलू के पास आया और पूछा, सर जी चलना है ना। गोलू ने कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, घुमाओ। गोलू बोला, घर की तरफ। ड्राइवर अचंभे में गिर गया। उसने पूछा डरते डरते, सर जी वर्मा जी के पास नहीं जाना क्या। गोलू ने कहा, वर्मा जी पेड़ में बस गए हैं। वर्मा जी इस पेड़ में बस गए हैं। तो ड्राइवर ने पूछा, वर्मा जी भूत है क्या। गोलू ने कहा, यदि जिंदगी में सैटरडे है तो भूत भी है भाई। आप चाहो तो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज